हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंसी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नाल्टिक फंक्शन में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में भी और इसी वीडियो में भी। उन्हीं के दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है, अब इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट पी जेड एंड क्यू जेड बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स, देन पी जेड एंड क्यू जेड बार इज एनाल्टिक, ठीक है, इफ ओनली। यानी ये मेरा एनाल्टिक होगा, ठीक है, कब एनाल्टिक होगा? पहला, जब पी जेड इज ए कॉन्स्टेंट, जब पी जेड मेरा क्या हो, एक कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। तो पहले एक एक सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। पी जेड अगर मेरा कॉन्स्टेंट है तो ये बोल रहा है कि ये मेरा क्या होगा, एनाल्टिक होगा, अगर ये पी जेड मेरा कॉन्स्टेंट हो तो। अगर ये ट्रू मतलब कि करेक्ट होता है तो ये एनाल्टिक होना चाहिए। एक बार चेक करके देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या लूँगा मैं, पहले ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन का मैं ले रहा हूँ पी जेड, मैं क्या ले रहा हूँ, एक कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ। तो कॉन्स्टेंट मतलब सी ले लिया मैंने, और क्यों जेड कोई एक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि मैं सिंपली इसको यहाँ पे जेड एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया क्योंकि मैंने पहले बताया है कि पी जेड एंड क्यू जेड बी टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक मेरा कॉन्स्टेंट वैल्यूज हो गया जो कि हमारा ऑप्शन बोल रहा है, और एक मैंने क्या किया, पॉलिनोमियल अपना एज्यूम कर लिया है, ठीक है। सिंपली अब इसको मुझे चेक करना है। तो देन मुझे चेक क्या करना है, पी जेड इंटू क्यू जेड बार मेरा क्या होना चाहिए, एनाल्टिक होना चाहिए। तो पी जेड वैल्यू हमने सी रखा और क्यू जेड बार यानी कि जेड बार हो गया, वह हम लोग जानते हैं कि जेड बार मेरा एनाल्टिक नहीं होता है, ठीक है। आप चेक करके चाहो तो चेक कर लेना, रियल इमेजी पार्ट अलग अलग करके सीआर इक्वेशन आप लगा लेना, सीआर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्या होगा, एनाल्टिक नहीं होगा। आप चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है, और इसको अप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो सीआर इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होता है, जिसके थ्रू मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। चलो भाई सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन मेरा क्या कहता है, वो कह रहा है कि पी जेड इंटू क्यू जेड इज़ ए कॉन्स्टेंट। पी जेड और क्यू जेड मेरा क्या है, दोनों ही मेरा कॉन्स्टेंट है। अच्छा, दोनों ही कॉन्स्टेंट बोल रहा है, तो ऐसे कॉन्स्टेंट डायरेक्टली आप ना एज्यूम कर लें, आप इसका कॉन्ट्राडिक्शन एज्यूम करें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्यू जेड को कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लिया सी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया पी जेड को, मैंने एज्यूम कर लिया कोई भी वेरिएबल, राइट। और मैं चेक करूंगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा पी जेड इंटू क्यू जेड बार, ये क्या हो जाएगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा इधर पी जेड कितना है मेरे पास, जेड है, और सी यानी कोई रियल नंबर है, ये क्या है मेरा, कोई रियल नंबर है, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर रियल नंबर का आप कंजुगेट करते हैं तो वो वही आता है, बस समझे ना, तो यानी वो सी ही आएगा। तो यानी ये क्या है, अगर आप इसको चेक करके देखें, एक्स प्लस आयोटा वाई से, x प्लस आयोटा वाई से, तो ये मेरा क्या होगा, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब इसको आप एनाल्टिक चेक कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, एनाल्टिक है, विच इज एनाल्टिक। अगर ये मेरा एनाल्टिक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने तो एक वेरिएबल यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लिया है और एक को कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ले लिया है, ठीक है, एक तो पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया, एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल एज्यूम कर लिया, और मैंने चेक किया तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एनाल्टिक है। तो सिंपल है यार, अगर ये मेरा कॉन्स्टेंट नहीं है और फिर भी एनाल्टिक हो रहा है, तो मतलब कॉन्स्टेंट पर एनाल्टिक तो होगा नहीं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि पी जेड इंटू क्यू जेड इज नॉट कॉन्स्टेंट, फिर भी एनाल्टिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, फिर ये मेरा ऑप्शन क्या हो जाता है, सेकंड वाला भी क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है, मतलब यहाँ पे थ्योरी मैंने वैसे इनकी करा रखी है, कॉन्स्टेंट वाली से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कॉन्स्टेंट वाली थ्योरी से रिलेट करें आप आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे कमेंट कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने मेरी सभी वीडियोस देखे हैं, ठीक है, मुझे फॉलो किया है, तो फिर इन क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पर आपको समझा रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कर लिया। देखो ऐसे तो आप चेक करते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे सामने कुछ कंसेप्ट आ रहे हैं। क्या कंसेप्ट आ रहे हैं, कि क्यू जेड इज़ ए कॉन्स्टेंट। देखो सिंपल है, अब ये आता कि नहीं आता, मैं डायरेक्टली आपको इसी से निकाल के दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है। ये तो ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हो, एक तो हमारे पास तरीका है कि डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास दे रहा है कि पी जेड इंटू क्यू जेड
कंसकेट ऑफ क्यू जेड, ठीक है, ये जो है वो क्या है, इज एनालिटिक, ये मेरा क्या है, एनालिटिक है। अगर ये मेरा एनालिटिक है तो श्योर है कि ये क्या कर रहा होगा, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो फंक्शन मैंने एनालिटिक होता है उसी को रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कौन एनालिटिक है मेरा, यहाँ पे है मेरा पी जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ क्यू जेड, और वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर एनालिटिक है तो ये भी सिचुएशन मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, ठीक है, इससे मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। तो मतलब ये एनालिटिक हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं किसके स्पीड में कर रहा हूँ, बार की स्पीड में कर रहा हूँ, तो इसको तो कोई मतलब है नहीं भाई, तो इसको बाहर करो आप, ठीक है, और यहाँ पे लगाइए, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए। तो भाई अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, अब ये जीरो में जा सकता है, इसलिए जा सकता है क्योंकि पी जेड क्या है मेरा, नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। नॉन जीरो क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल है तभी आप इसको जीरो में भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मेरा क्या है, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया डेल अपॉन डेल जेड बार और क्यू जेड बार इक्वल टू जीरो। देखो इसको डिवाइड आप जीरो में तभी भेज सकते हैं जब हमारे पास सिचुएशन ये गिवन है, ठीक है। ये अगर गिवन ना होता ना तो मैं इसको डिवाइड में भी नहीं भेज सकता था, ठीक है। फिर कुछ कह नहीं सकते ना कि पी जेड मेरा नॉन जीरो या जीरो है, यानी जीरो पॉलिनोमियल है या नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, तो वी कैन नॉट से। सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि डेल जेड अपॉन जेड बार इंटू यानी कि ऑफ क्यू जेड बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ क्यू जेड इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेट कर लो बोथ साइड, तो मेरे पास निकल के आता है, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो डायरेक्टली तो मेरे पास ये निकल के आएगा, बिकॉज ये है, ठीक है, कॉन्स्टेंट आ गया। तो आप जानते हैं कॉन्स्टेंट का जो कॉन्जुगेट होता है वो कॉन्स्टेंट ही होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी क्यू जेड मेरा क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया। यानी अगर ये एनाल्टिक है, ठीक है, तो पक्की बात है कि क्यू जेड मेरा क्या होगा, यानी कि क्यू जेड जो पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल क्यू जेड है, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा। कैसा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। अगर ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है तो आपका ये सेकेंड और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो थर्ड वाला ऑप्शन मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब मैं फोर्थ ऑप्शन की ओर चलता हूँ। फोर्थ ऑप्शन मेरा क्या कहता है, उसको पहले इसको रब कर लेता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि क्यू जेड को मान लेता हूँ मैं कॉन्स्टेंट, पी जेड को मान लेता हूँ वेरिएबल, पी जेड को मान लेता हूँ वेरिएबल और क्यू जेड को मान लेता हूँ कॉन्स्टेंट, राइट। कॉन्स्टेंट जो है वो रियल नंबर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपने पी जेड इंटू क्यू जेड बार किया, तो बिकॉज मुझे ये दिखाना है, ये किया आपने, तो आपके सामने क्या आ गया, सी जेड आ गया, जो कि एनाल्टिक है, एनाल्टिक है। टेकन कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है, जब मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ बोथ साइड, तो मेरे सामने क्या हो जाता है कि पी जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ क्यू जेड, ठीक है। अब इसका मैं बोथ साइड कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो ऐसा हो गया मेरे सामने, क्या दिक्कत है। यहाँ सी का कॉन्जुगेट क्या होता है, सी होता है जेड बार, इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया मेरा ये इंटू क्यू जेड इक्वल टू सी जेड बार इज नॉट कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप सिंपली चेक कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सेक्शन बी में शायद पूछा गया है, तभी इसमें एक ऑप्शन करेक्ट आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 मार्क्स आपके ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है कोई मेरे पास, बी एनाल्टिक फंक्शन, फॉर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, लेट यू वी, ठीक है, आर टू इंटू आर सच दैट यू एक्स वाई, यानी कि कोई हमारा फंक्शन है यू एक्स वाई, इसको हम बोल रहे हैं रियल ऑफ एफ जेड, एंड वी एक्स वाई इक्वल टू इमेजरी ऑफ एफ जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा ये मुझे बताना है। फर्स्ट है मेरे पास डेल स्क्वायर यू ओपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सेकेंड है डेल स्क्वायर यू ओपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। थर्ड है डेल स्क्वायर यू ओपन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर यू ओपन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, एंड डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई और प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो सिंपली मैं इसको चेक करता हूँ, बिकॉज हमारा क्या है कि फंक्शन जो है मेरा वो क्या है, इज एनालिटिक फंक्शन,
अगर कोई फंक्शन मेरा एनाल्टिक है तो पक्की बात है कि वो हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है, यानी लाप्लास इक्वेशन क्या करा होगा, सेटिस्फाई करा होगा उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन एफ जेड मेरा क्या है, एनाल्टिक है, तो इसका मतलब हुआ यू प्लस आयोटा वाई जो है मेरा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो लाप्लास इक्वेशंस होते हैं वो क्या हो रहे होंगे, सेटिस्फाई हो रहे होंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहे होंगे, यानी कि मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और हम लोग जानते हैं, वी आई ऑलरेडी नो दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स एंड आल्सो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या हैं, ऑप्शन चेक करेंगे अपने। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ये तो मेरा करेक्ट जा रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है, तीसरा ऑप्शन देखो अगर मैं इसको उधर लेकर आता हूँ तो ये भी मेरा करेक्ट जा रहा है, चौथा ऑप्शन देखो अगर इसको मैं इधर लेकर आता हूँ माइनस आता है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये मेरा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि थ्री ऑप्शंस मेरे करेक्ट हो जाते हैं और एक ही ऑप्शन कोई ऐसा होता है जो मेरा क्या होता है इनकरेक्ट होता है। तो आई होप आपको यहाँ से ये जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सेक्शन सी का है, ठीक है, तो 4.75 मार्क्स का होगा। तो सिंपली आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी अगर कोई डाउट आया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो कि टेलीग्राम में मैंने बना रखा है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और प्रीवियस वीडियो के जो भी लेक्चर्स हैं उनके मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।